ये देखिए आज हमने बनाई है पोटैटो स्नैक्स रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं और इसे बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। तो उसे बनाने के लिए हमने लिए है आलू, जिसे हमने बॉईल कर लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने आलू लिए है, अब हम इसे मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। तो ये देखिए हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिए है। हमने लिया है कढ़ाई, अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। आप तेल की जगह पर बटर का भी यूज कर सकते हैं और हम तेल को गर्म होने देंगे। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज और हम इसमें ऐड करेंगे मटर, हमने फ्रेश मटर का यूज करा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च और हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ गाजर, कटी हुई बीन्स और कटी हुई शिमला मिर्च। आप इसमें कोई भी सब्जी का यूज कर सकते हैं आपके पास जो भी अवेलेबल हो, या फिर इसमें से जो सब्जी आपको पसंद नहीं हो आप उसे हटा भी सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और अब हमें सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक पका लेना है। देखिए सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हम इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए इसे भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए सब्जियां ठंडी हो चुकी है, हमने लिया है मैश करा हुआ आलू, अब हम सभी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई धनिया पत्ती और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और अब हम इसे इस तरह से पहले इसका बॉल बना लेंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा चपटा कर देंगे। ये देखिए इसे इस तरह से बना लेना है और अब हम इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी को तैयार कर लिए है, अब हमने लिया एक पैन, अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल और हम तेल को गर्म होने देंगे। देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब हम अपना तैयार करा हुआ आलू का इसमें डाल देंगे और अब हम इसे एक साइड से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखिए एक साइड से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे। अब हम इसे दूसरे साइड से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और हम इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सभी को तैयार कर लिया है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए पोटैटो स्नैक्स रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है, आप इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।